जा रहे हैं, प्रॉब्लम ही कोड फोर्सेस का, ये इस टाइम का एजुकेशन कोस्ट फोर्सेस अराउंड 161 का ई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं सीधे समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है इस वाले एग्जांपल को लेके 13, और ये वाला एग्जांपल लेके 22342। ठीक है, इसको लेके मैं सीधे समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक नंबर गिवन होगा जो कि है मान लो एन। तो जो एन नंबर गिवन है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक एरे बनाना है। क्या बनाना है? एक एरे जिसमें जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो उनका जो काउंट हो वो एग्जैक्टली एन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है? जो भी एरे बनाओगे उसमें इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का काउंट एन के इक्वल होना चाहिए, और एक एम्प्टी एरे को, मीन्स एक खाली एरे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको भी एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक एरे बनाना है, ठीक है, जिसमें इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का काउंट क्या होना चाहिए, ये एन होना चाहिए, जिसमें तुम एम्प्टी एरे को भी इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस काउंट कर सकते हो, और एरे में मैक्स टू मैक्स 200 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं रख सकते तुम। ठीक है, और जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो -10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें, अब फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं मैं। तो तुम्हें एक एन गिवन होगा, तुम्हें जो एन गिवन है उसके लिए एक एरे बनाना है, एरे का साइज़ मैक्सिमम 200 ले सकते हो। ठीक है, और उस एरे में जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होने चाहिए उसका काउंट एन होना चाहिए। एम्प्टी एरे भी एक सब सीक्वेंस होगा इंक्रीजिंग, और एरे के एलिमेंट्स -10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो अगर इस वाले केस को देखो तो तुम्हें एक ऐसे एरे बनाना है जिसमें सब सीक्वेंस इंक्रीजिंग 5 हो। तो अगर 22342 को देखोगे, 22342, तो इसमें कितने एरे इंक्रीजिंग है, सॉरी कितने सब सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग है? तो एक है 2 खुद का, एक 3, एक 4, एक 2 और एक ये वाला 2, 2 3 4 और 2। ठीक है, दूसरा शायद मैंने गलत ले लिया है, एग्जाम्पल 13 होगा इसका, एग्जाम्पल हाँ इसका एग्जाम 13 है, वही मैं सोच रहा हूँ, इसके में तो एरे बहुत बन रहा है। तो अगर इस केस में एन की वैल्यू 13 है, ठीक है, तो तुम्हें एक ऐसा सब एरे बनाना सर सॉरी एक एरे बनाना है जिसमें इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस टोटल 13 होने चाहिए। तो अगर देखो वन लेंथ के सारे सब सीक्वेंस बनाओगे तो 5 तो यही हो गए, 2 2 3 4 2। दो लेंथ के बनाओगे तो 2 3, मीन्स ये और ये, फिर 2 और 4, 2 और 4। ठीक है, अगर 3 लेंथ का बनाओगे तो 2 3 4, ठीक है, एक ये वाला, फिर एक इससे भी बनेगा 2 3 4, दोनों अलग अलग काउंट हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स की पोजीशन अलग अलग है। तो आई थिंक इससे भी तो एक 2 3 बनेगा और एक 2 4 बनेगा ना, तो ये मैंने यहाँ मिस कर दिया, 2 3 कॉमा 2 4। तो 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 4 5 9, 3 2 5, 5 4 9 10 11, अभी दो और बनेंगे, एक बनेगा 3 4 खुद से, ठीक है, एक बना 3 4, तो कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कोई और मिसिंग हो रहा है, ये 2 3 4, ये 2 3 4 हो गया, फिर से काउंट करता हूँ, शायद एक छूट रहा है। ठीक है, तो पहले 1 के हमने सारे बना लिए, 2 2 3 4 2, इसका काउंट हुआ 5। अब दो दो लेंथ के बनाए तो 2 3 2 4, फिर ये 2 3, फिर ये 2 4, फिर एक 3 4। ठीक है, फिर 3 लेंथ के बनाए तो 2 3 4, फिर 2 3 4, और तो नहीं बनेंगे तो 5 3 2 5, 5 5 10 11 12 भी आ रहे हैं। एक अच्छा, एक हमने बोला था ना कि एम्प्टी एरे जो है वो भी एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, तो अगर हम एक एम्प्टी एरे भी कंसीडर करेंगे तो 12 प्लस एक एम्प्टी वाला, ये टोटल क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो सारे एलिमेंट्स की रेंज क्या है, -10 की पावर 9 से 10 के पावर 9 के बीच में है। और दूसरी चीज़,
जो एरे हमने बनाया है उसकी लेंथ भी लेस देन इक्वल्स टू 200 है, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको अप्रोच करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले एक चीज़ समझाता हूँ मैं। अगर मानो सिर्फ एरे में वन है, तो इसका कितने सब एरे, कितने सब सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग है। ऑफ कोर्स 2 की पावर 1 -1 ना, सिर्फ एक वन ही तो है। लेकिन अगर तुम एक एम्प्टी एरे भी कंसीडर करो, तो 2 की पावर -1 नहीं +1 है। तो मतलब 2 की पावर 1 सब एरे हैं जो इंक्रीजिंग है, एक वन और एक एम्प्टी एरे। तो अगर तुम 1,2 को लोगे, ठीक है, इसको लेते हो, तो इसमें कितने ऐसे सब एरे हैं जो इंक्रीजिंग है। तो देखो, एक वन, एक टू, एक 1,2 और एक एम्प्टी एरे। तो कितना हुआ, 2 की पावर 2। अगर ऐसे ही हम अगर 1, 2, 3 लेते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही 1, 2, 3, 4 लेते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो जाएंगे। तो हम ये समझ में आ रहा है कि अगर एरे इंक्रीजिंग है, तो अगर हम जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर n, उतने सबसीक्वेंस इंक्रीजिंग बनेंगे, ठीक है। अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n टोटल बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा नोट करो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज़ 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, सपोज़। तो अगर सिर्फ 1 एरे में था तो 2 की पावर 1 था, सिर्फ 1, 2 एरे में था तो 2 की पावर 2 एरेज पॉसिबल थे, 2 की पावर 3 एरे पॉसिबल थे, 2 की पावर 4 एरे पॉसिबल थे, और 2 की पावर 5 एरे पॉसिबल थे, ठीक है। ये कैसे मैं लिखाऊं, अगर जैसे इसके ऊपर 2 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि तुम 1 और 2 को साथ में लोगे एक एरे में, तो टोटल 4 सब एरे बना सकते हो, सॉरी सब सीक्वेंस बना सकते हो, 1, 2, 1, 2 और एक एम्प्टी एरे, ठीक है। तो अगर इसका मतलब सबके ऊपर जो लिखा है उसका मतलब यही है, जो 5 लिखा है 5 के ऊपर 2 की पावर 5, इसका मतलब कि अगर इस पूरे एरे को कंसिडर करोगे 1 से 5, तो उसमें 2 की पावर 5 ऐसे सब सीक्वेंस निकलेंगे जो कि इंक्रीजिंग हो गए, ठीक है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करो, ये चीज़ बस नोट डाउन कर लो, ये चीज़ अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो मैं बाकी चीज़ें इरेज करता हूँ और एक चीज़ समझाता हूँ। तो अगर मान लो तुम करो, तुम्हें 29 का बाइनरी लिखना था, सॉरी 29 एक ऐसा नंबर बना था जिसमें 29, सॉरी एक ऐसा एरे बना रहा था जिसमें जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है वो 29 हो। तो अगर मैं 29 का बाइनरी लिखूँ तो वो क्या आएगा, 1 1 1 0 1, ठीक है, यही तो होगा ना 29 का बाइनरी। तो 29 का बाइनरी अगर ये है, तो अगर मैं इसमें 2 की पावर लिखूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यही होगा ना, 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। तो इसका सब निकल के क्या आता है, 29 आता है। तो देखो, इसको 2 की पावर 4 को देखो और इसकी 2 की पावर 4 को देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ऐसे 4 नंबर रख दो भाई जो इंक्रीजिंग हो, तो 2 की पावर 4 उसमें टोटल सब सीक्वेंस ऐसे होंगे जो कि इंक्रीजिंग होंगे। तो अगर मैं रखूँ 0, 2, 4 और 6, मैं 2 का मल्टीपल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारा आंसर 2 की मल्टीपल से बन जाएगा, ठीक है। तुम अपने हिसाब से अगर कोई नंबर यहाँ चेंज करोगे तो तुम्हें वैसे ही नेक्स्ट नंबर चेंज करने पड़ेंगे, अभी 2 की मल्टीपल लेके चल रहा है, ठीक है। तो 0, 2, 4, 6, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हम सिर्फ इतना ही रखें तो हमें पता है कि इतने नंबर से 2 की पावर 4 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो कि इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गए ना, 0, 2, 0, 2, 4, 6, 4 ये हो गए, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 3 ये हो गए, फिर 2, 4, 2, 6 ये हो गया, फिर 4, 6, फिर 3, 3 का सेट बनाओगे, 0, 2, 4, 0, 2, 6, 0, 4, 6, फिर 2, 4, 6 और एक बार 0, 2, 4, 6। अब तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ज़्यादा बन गया क्या, 1, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 2, 4, फिर 2, 6, फिर 0, 2, 4, 0, 2, 6, फिर 0, 4, 6, फिर 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
बारह तेरह चौदह पंद्रह सही तो बने, टोटल टू की पावर फोर माइनस वन फिफ्टीन और एक एम्प्टी सवेरे, तो टोटल सिक्सटीन सवेरे ऐसे बन गए, सॉरी या फिर कह सकते हो सब सीक्वेंस ऐसे बन गए जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या कह सकते हो मतलब सब सीक्वेंस ही है, सवेरे सब सीक्वेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि टू की पावर फोर था, इसका मतलब था हमने इसको देख के बताया कि टू की पावर फोर तभी पॉसिबल है जब चार के चार नंबर इंक्रीजिंग में हो। ठीक है, देखो तो हमें पता है टू की पावर फोर अब तक बन चुका है, तो लेकिन अगर इसको देखो टू की पावर थ्री है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग वन है, तो मतलब कि हमें टू की पावर तीन, मतलब कि ऐसे तीन नंबर्स फिर से इंक्रीजिंग चाहिए कि जो हम यहाँ पे लिख दें और टू की पावर थ्री का भी सम हम ऐड कर लें। अगर हम ऐसे कुछ भी लिख देते हैं 9, 10, 11, तो ये तो टू की पावर थ्री आपस में बनाएंगे, लेकिन फिर ये इसके साथ मिलके बना लेंगे, 6, 9 भी एक बना लेगा। तो हमें कुछ ऐसा इंटेलिजेंट नंबर यहाँ पे रखना है कि जिससे एग्जैक्टली टू की पावर थ्री आए, एग्जैक्टली टू की पावर थ्री एलिमेंट्स ही आए। तो अगर देखो तुम यहाँ पे अगर थ्री रखते हो, ठीक है, तो कितना आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो के साथ बनाएगा ये, 0 3 एक आएगा, फिर 2 3 एक आएगा, फिर सिर्फ थ्री भी एक आएगा, फिर 0 2 3 आएगा, तो चार बन रहा है, 1 2 3 4 बन रहा है। तो नहीं, हमें तो टोटल टू की पावर थ्री चाहिए थे ना, तो थ्री है यहाँ पे रखना सही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर तुम यहाँ पे फाइव रखते हो, ठीक है, तो फाइव रखने से कितने नंबर्स बनेंगे, तो एक तो फाइव खुद बनेगा इंक्रीजिंग में, फिर 0 5 2 5 और 4 5, ठीक है, फिर 0 2 5 0 4 5, ठीक है, और फिर 2 4 5 और फिर 0 2 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टू की पावर थ्री एलिमेंट चाहिए थे, तो को बन गया ना। ये आपस में कितने बना रहे थे, टू की पावर फोर माइनस वन, अभी के लिए अगर एम्प्टी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो 0 2 4 6 कितने बना रहे थे, टू की पावर फोर माइनस वन, प्लस अगर हमने फाइव रखा तो फाइव इसके 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 साथ मिलके टू की पावर थ्री एलिमेंट्स बना रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए था, टू की पावर थ्री मतलब है टोटल आठ ऐसे एलिमेंट्स चाहिए, तो अगर हमने 0 2 4 5 यहाँ फाइव रख दिया तो ये इसके साथ मिलके बना रहा है। देखो जी, हमने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, 5 0 5 2 5 4 5, 0 2 5 0 4 5 2 4 5 और एक 0 2 4 5। अब देखो तो हमें टू की पावर फोर माइनस वन हो गया, प्लस टू की पावर थ्री हो गया, तो हमने ये इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, टू की पावर टू चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे, ठीक है, थ्री रखते हैं तो कितना बनेगा, सपोज थ्री रखा तो इस ज़ीरो के साथ और इस टू के साथ सब सीक्वेंस बनेगा, तो ज़ीरो पहले पहले तो सिर्फ थ्री होगा, फिर क्या होगा, 0 3 2 3, ठीक है, और फिर क्या होगा, 0 2 3, तो देखो चार बन गया ना, 1 2 3 4, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला भी हो गया। अब अगर हमें, अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक चाहिए, टू की पावर वन इंटू ज़ीरो है, तो ज़ीरो का तो कोई सम ऐसे भी नहीं होता, तो इसको हम हटा दें, हटा सकते हैं, फिर टू की पावर ज़ीरो इंटू वन मीन्स हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, तो प्लस टू की पावर ज़ीरो चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे माइनस वन रख दें, अगर हम यहाँ पे माइनस वन रख दें तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, सिर्फ सिर्फ एक बनेगा ना, माइनस वन, एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अब अगर हम इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 29 माइनस वन आएगा, लेकिन हमें पता है कि एक एम्प्टी एरे भी सब सीक्वेंस होगा इंक्रीजिंग, तो टोटल 29 आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से कैसे हो रहा है क्वेश्चन। तो दोबारा देख लो एक बार कि हमने एक बार इंक्रीजिंग सब एरे लिखी, एक इंक्रीजिंग सब एरे लिखा और उसमें पैटर्न देखा कि टू की पावर वन, फिर टू की पावर टू, फिर टू की पावर थ्री, फिर टू की पावर फोर, फिर टू की पावर फाइव, ऐसे नंबर्स बनते जाते हैं जैसे जैसे एक एक नंबर इंक्रीजिंग आता है। फिर हमने 29 का बाइनरी लिखा, 1 1 1 0 1, ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर नॉर्मली टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर लिखा, जो नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है अगर डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें यही लिखते हैं ना, टू की पावर फोर इंटू वन प्लस टू की पावर थ्री इंटू वन प्लस टू की पावर टू इंटू वन प्लस टू की पावर वन इंटू ज़ीरो प्लस टू की पावर ज़ीरो इंटू वन, बेसिक मैथ्स। फिर यही होके 29 हो जाता है। तो हमें पता था कि टू की पावर फोर मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे चार नंबर हमें इंक्रीजिंग लिख दो, तो टू की पावर फोर
का एक वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिल जाएंगे। तो हमने जैसे चार नंबर इंक्रीजिंग लिख दिया है, ठीक है, 2^4 - 1 लिख दिया, सॉरी चार नंबर लिखे, तो हमें पता है कि 2^4 - 1 एलिमेंट्स मिले होंगे अगर हम इम्प्टी को हटा दे रहे हैं। फिर 2^3 1 से मल्टीप्लाई था, तो इसका मतलब कि फिर से हमें 2^3 से हमने देखा कि हमें ऐसे तीन इंक्रीजिंग नंबर्स चाहिए होंगे अगर वो मिल जाते हैं। 2^3 * 1 से हमने ये देखा कि हमें आठ नंबर्स ऐसे चाहिए जो मिला के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना देंगे। तो अगर हम यहाँ पे 5 रख देते हैं, तो हमने देखा कि ये 0, 2, 4 और 5 आपस में मिलके टोटल कितने हैं सब सीक्वेंस बना देंगे, 2^3 बना देंगे। तो अगर 0, 2, 4, 5 को लिखोगे तो ये कितना बनाया, 0 बनाया था, सॉरी 0 तो नहीं बनाया था, सॉरी। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 5 अगर हमने रखा था तो टोटल इसने 0, 2, 4 के साथ मिलके सारे सब सीक्वेंस बना लिए थे। कितने बनाए थे, 0, 5, 2, 5, 4, 5 और खुद एक 5, फिर 0, 2, 5, फिर 0, 4, 5 और फिर 2, 4, 5 और फिर एक लास्ट में 0, 2, 4, 5। इसमें हमने 0, 2 और 4 को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि वो इसमें काउंट कर लिया था हमने जब हमने 0, 2, 4, 6 रखा था। फिर हमने 3 रखा, तो फिर हमने देखा कि 0, 2 और 3 आपस में मिलकर 2^2 बनाएंगे टोटल। फिर -1 रखा तो वो एक अकेला है तो वो 2^0 बना देगा, और प्लस एक एम्प्टी था। तो ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये ऐसे आया। अब अगर इसका हम कोड देखेंगे तो कोड भी काफ़ी इजी है। हमें क्या करना है, हमें इस टू के पहले हम इसका बाइनरी निकाल लेंगे, या फिर बाइनरी नहीं भी निकालेंगे तो उसका कोई लेना देना है नहीं बाइनरी से। देखो मैं इसका कोड दिखाता हूँ, हमने पहले ये निकाल लिया कि उसमें कितनी डिजिट्स हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स उसमें पॉसिबल हैं, ठीक है, ये निकाल लिया काउंट प्लस प्लस करके। फिर हमने देखा कि अगर मान लो 29 का हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, तो इसमें काउंट कितना आएगा, 29, 29 से क्या होगा, 19, 2 * 2 = 8, 14 होगा, फिर 7 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा और फिर होगा 0। तो एक काउंट आएगा यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 काउंट आएंगे, ठीक है, टोटल 5 काउंट आएंगे। फिर हमने क्या किया, 0 से लेके काउंट -1 तक नंबर्स डाल दिए हैं 2 आंसर में। तो अगर हम आंसर एरे लें तो हमने उसमें 0 से लेके काउंट -1 तक नंबर क्या डाले हैं, 2 * i। तो पहला नंबर जाएगा काउंट -1 मतलब कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4, ठीक है। तो पहला नंबर डाला है 0, फिर डाला है 2, फिर डाला है 4 और काउंट -1 मतलब 3, फिर डाला है हमने 6, ठीक है, क्योंकि 0 से लेके काउंट -1, काउंट -1 कितना है, 4 - 1। तो हमने अब तक 0, 2, 4, 6 डाल दिया जो हमने ये डाले थे, 0, 2, 4, 6, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, काउंट -2 से स्टार्ट किया है और आई ग्रेटर एन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो इसका मतलब बेसिक ये है कि हमने ये वाली डिजिट ले ली थी, अब हम इस डिजिट से स्टार्ट करेंगे, मीन्स 2^4 को हमने 2^4 तक के हमने नंबर्स रख लिए थे, अब हम सेकेंड लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ 1 है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे हमें नंबर डालना है। तो फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे क्या 2^3 सेट है, मीन्स अगर 3 है तो मतलब 0 बेस इंडेक्सिंग देखोगे तो क्या थर्ड बिट सेट है, तो थर्ड बिट 29 में क्या है सेट है, तो अगर वो सेट है तो हमने इसकी जगह क्या क्या फिक्स कर दिया, 2 * 3 - 1 डाल दिया, जो कि क्या है 5, जो यहाँ पे 5 डाला है हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 2 * फिर हमने देखा 2^2 बिट, या फिर कह सकते हो 0 बेस इंडेक्सिंग में सेकेंड बिट सेट है 2 29 में, तो देखोगे तो हाँ 29 में सेकेंड बिट सेट है। तो फिर हमने क्या डाल दिया, 2 * 2 - 1, जो कि कुछ और नहीं है 3 है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे 3 है। फिर हमने देखा क्या 2^1 बिट सेट है, तो 29 में क्या फर्स्ट बिट सेट है, अगर 0 बेस इंडेक्सिंग देख रहे हो तो वो सेट नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर हमने देखा कि 2^0 बिट सेट है, या फिर 0 बेस इंडेक्सिंग में 0 बिट सेट है 29 में, तो हाँ वो सेट है, और अगर वो सेट है तो 2 *
ज़ीरो माइनस वन। तो अगर इसको मैं दोबारा लिखूँगा, ज़ीरो टू फोर सिक्स, टू इंटू थ्री माइनस वन फाइव, टू इंटू टू माइनस वन मतलब थ्री, और टू इंटू ज़ीरो माइनस वन मतलब माइनस वन। तो ये टू इंटू आई माइनस वन हर बार मैं पुश कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसको उसके बाद क्या करना है, हमें इस एरे को सिंपली आउटपुट कर देना है। तो हमें पता है इतने में बन रहा है टू की पावर फोर माइनस वन, फिर ये फाइव इस ज़ीरो और टू के साथ मिलके बना रहा है टू की पावर थ्री माइनस वन, फिर ये थ्री इन और ज़ीरो और टू के साथ मिलके बना रहा है टू की पावर टू माइनस वन, और ये माइनस वन अकेला बना रहा है टू की पावर ज़ीरो, और इनका सम होता है 28, लेकिन एक एम्प्टी भी है, तो एक एम्प्टी भी ले लिया और वो बन गया 29। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब मैं कह रहा था कि हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, मीन्स 2i क्यों लिया है। अगर मैं यहाँ पे 3i लूँगा, फिर यहाँ 3i माइनस 1 करूँगा, तो भी सेम चीज़ रहेगी।